मध्य प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने और बच्चों का अपहरण किए जाने की सूचना लगातार मिल रही है। वहीं पुलिस इस प्रकार की घटना से साफ इनकार कर रही है, परंतु यदि इस तरह की कोई भी घटना अभी तक नहीं घटी है तो फिर आखिर क्यों परिजन थाने शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम कुसुमकुई का भी सामने आया। यहां कंबल चादर बेचने आए चार युवकों को ग्रामीणों ने इसलिए बच्चा चोर समझ पिटाई रख पुलिस के हवाले कर दिया। जब ये घरों में घुसने लगे, लोगों को लगा कि ये बच्चे चोरी करने की नीयत से घर में घुसे थे। हालांकि ग्रामीण सभी युवकों को सिवपुर थाने ले गए, जहां थाना प्रभारी रविंद्र पारासर के द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं जिनके मकान में ये किराए से रह रहे हैं उन्हें भी बुलाया गया है। पुलिस और शहरी एवं ग्रामीण नागरिकों की भी गलती इस खबर के माध्यम से हम बता रहे हैं, जिसे सुधारना अब बेहद जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि शहर में बाहर का कोई भी युवक कुछ भी बेचने या व्यापार करने आता है तो उसे अपनी जानकारी पुलिस थाने में जरूर देनी चाहिए। वहीं मकान किराए से देने वाले मकान मालिकों को भी अपने किराएदारों की सूचना पुलिस को देनी चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं किया जाता है और ना ही पुलिस के द्वारा इसे सख्ती से लागू करवाया जाता है। आज जो कंबल चादर बेचने वाले युवक कुसुमकुई में पकड़ाए हैं, उनकी सूचना पुलिस को है या नहीं ये देखना जरूरी है, क्योंकि सभी युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और होशंगाबाद में पिछले 2 माह से रहकर कंबल चादर बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा सभी युवकों ने थाना प्रभारी रविंद्र पाराशर को बताया है। कहाँ से आप? ग्राम कुसुमकुई से। क्या हो गया था आपके गाँव में? हमारे गाँव में क्या हुआ कि आसपास से फोन आया था कुछ लोगों का कि चादर बेचने वाले हैं, दो गाड़ी अपाचा है, एक वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की, ये दो गाड़ियां हैं और इन पे जो लोग हैं वो कुछ किडनी ग्रोह के लोग बोल रहे हैं कि किडनी चोरने वाले हैं, लोगों को पकड़ने वाले हैं, बच्चों को ले जाने वाले हैं। तो इस तरह से दो चार लोग थे दो गाड़ियों पे। अब वो यहाँ आके कुछ लोग जब जानकारियाँ लगी तो गाँव के कुछ लोगों ने देखा उनको, तो देखने के बाद में उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद में रोक लिया गया, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और फिर 100 डायल को सूचित किया और उसके बाद में 100 डायल ने शिवपुर थाना ले। हाँ, कुछ ये जब गांव में घुसे तो स्कूल में कुछ बाइयाँ खाना बना रही थी और वहाँ उनसे बोल रहे थे कि बाइयाँ बच्चों को कहीं जाने मत देना, ही रोक लेना। और उसके बाद में वहाँ से बोल के गाँव में गए, कुछ घर में घुसे वो, और घुसने के बाद ये बोल रहे थे कि ये हमारे पास जो चादर है वो ले लो और वो 2500 की एक पैक है और इसमें आपको 6 महीने का उधार देंगे। तो उधार देने का उनसे बोला कि चलो भैया दे दो, इतने में घर से बाहर निकल गए वो और वहाँ से चले गए। फिर लोगों ने उनको पकड़। कहाँ से हो तुम? मैं वहाँ। क्या करते हो? कामदारी। क्या मामला है, क्या हुआ था? ब्लैंकेट बेचते बेचते सीधा घर में घुस गया। अच्छा, फिर? और झाक रहा था इधर उधर, और लेने की बोले तो 750 रुपये कीमत बता रहा था और लेने की बोला तो 5 मिनट भी नहीं रुका, चलते चलते बता के और दूसरे घर में घुस गया। ऐसे कर रहा और एक गाड़ी इनके गांव के बाहर खड़ी थी, ये गई थी अंदर। अच्छा। इनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे जब तक ये भाग लिया। ठीक। तीन गाँव की गाड़ी आ गई फिर पीछे से। फिर क्या मामला है ये? मुझे 1 घंटे पहले जजरी मोहल्ले की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कुसुमकुई ग्राम में कुछ लोग कपड़े वाले आए हैं वहाँ पे, तो गांव वाले उनकी कटाई कर रहे हैं। तो मैंने 100 डॉलर को फोन लगाया तो 100 डॉलर वहाँ पे गई तो वो चार बंदे थे, उनका नाम है दानिश पठान, जुमेद पठान, सहीन खान, फदीम कुरेशी। तो ये चारों बंदों को लेके आई हमारी 100 डॉलर। तो मैं सभी पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि होशंगाबाद में जुमरियादी अरवन खान अनवर खान के यहाँ मैं कई 2 महीने से रह रहा हूँ। तो मैंने उसको बुलाया, वो उससे मैं पूछताछ करूँगा आखिर क्या मामला है। हालांकि ये मुझे कपड़े वाले मतलब कपड़े वाले हैं लोग।